सभी स्वागत है आपका अनबॉक्सिंग मिकारी चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 3 फोन जो आप ले सकते हैं इस महीने अंडर 25,000 जुलाई के महीने में 2020 में आप ले सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जाते हैं वेस्ट ना करते हुए, चलिए वीडियो देखते हैं। तो गाइस हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे फोन आता है, वो आता है गाइस सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का A70s। जी हाँ गाइस, सैमसंग का A70s ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर जो आदमी जो सैमसंग का ही फ़ोन लेना चाहता है वो इस फ़ोन की तरफ जा सकता है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है और आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको मिलता है बैक में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है मैक्रो और 8 मेगापिक्सल का वो अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। जी हाँ, 32 मेगापिक्सल का वो इसमें सेल्फी मिल जाता है, तो आप काफ़ी अच्छी सेल्फी निकाल सकते हैं इससे। और इसमें आपको मिल जाता है 4500 mAh की बैटरी और मिल जाता है आपको इसमें स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर। माना प्रोसेसर थोड़ा सा लो है लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप सैमसंग का ही फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग सैमसंग का ही फ़ोन लेना चाहते हैं और नए ब्रांड पर भरोसा नहीं करते हैं। तो जो सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हैं ये A70s उनके लिए बेस्ट बाय हो सकता है अंडर 25,000। तो मैं जो फ़ोन आपको बताऊंगा उस फ़ोन का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। और ये वेरिएंट जो सैमसंग का A70s है वो आता है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिल जाती है, 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप जाके इसे को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ़ोन की तरफ। दूसरे नंबर फ़ोन आता है गाइस, वो आता है गाइस रेडमी की तरफ से, रेडमी का K20। जी गाइस, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है और आप इसको भी ले सकते हैं। जी गाइस, इसमें आपको मिलता है 6.39 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, फुल व्यू डिस्प्ले है गाइस। इसमें आपको पॉपअप कैमरा मिल जाता है, तो कोई नॉच वगैरह आपको डिस्प्ले पे नहीं मिलता है, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप अगर वीडियो देखते हैं और अगर गेम भी खेलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा गाइस। और आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर और आपको मिलता है गाइस आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपका मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और आपको मिल जाता है गाइस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का शायद मैक्रो है शायद, हाँ जी हाँ, तो वो आपको मिल जाता है, या टेलीफोटो है वो आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल में। और आपको फिर मिलता है फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा। जी हाँ गाइस, 20 मेगापिक्सल का आपको पॉपअप कैमरा मिल जाता है इसमें, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और गाइस आपको इसमें मिलता है 4000 mAh का बैटरी, बैटरी काफ़ी अच्छा है गाइस, आपको पूरा दिन का बैकअप दे देगा। और तो बैटरी आपको 4000 mAh की मिल जाती है, तो बैटरी भी काफ़ी अच्छा है गाइस। आपको इस वेरियंट मिलता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है गाइस रेडमी तरफ से, रेडमी का K20। और आप इसमें 2000 रुपये और मिला के रेडमी का K20 प्रो ले सकते हैं। जी हाँ गाइस, मैं आपको इसी तरह सजेस्ट कर दिया हूँ, 26,999 का है, क्योंकि फ़ोन में आपको प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है, 855 का प्रोसेसर मिल जाता है। तो अगर आप 2000 और मिला सकते हैं तो आप रेडमी का K20 प्रो की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के पहले नंबर के फ़ोन की तरफ। तो ये वीडियो गाइस ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो इस वीडियो को गाइस प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ऐसे नॉर्मली बनाता भी नहीं है, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर फ़ोन आता है गाइस, वो भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है गाइस, वो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी का X3। जी हाँ गाइस, काफ़ी अच्छा फ़ोन है रियलमी का X3। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको रियलमी X3 सुपर जूम क्यों नहीं बताया गाइस, क्योंकि ये 32,000 का पहुँच जाता है गाइस सुपर जूम। तो जाहिर सी बात है मैं आपको ये अभी टॉप 25 मतलब फ़ोन के लिस्ट है 25,000 के अंदर में, और जब मैं 30 में बनाऊंगा तब मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि 30 से ऊपर हो जाएगा। मैं जब 35 का बनाऊंगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अब आता है हमारे लिस्ट में रियलमी X3, जिसमें आपको मिल जाता है 6.57 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले और इसका प्राइस है 24,999 रुपये गाइस। और आपको मिलता है गाइस बैक में 64 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल जाता है और आपको मिल जाता है गाइस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है। और आपको फ्रंट में मिलता है 16 प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा, तो आप इससे अच्छी फ़ोटो निकाल सकते हैं, मतलब अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं गाइस। और आपको इसमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर, तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, मतलब रियलमी X3 सुपर जूम में इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा कैमरा का फ़र्क है। तो
यही फ़र्क है गाइस। तो और इसमें आपको मिल जाता है 4300 mAh की बैटरी और आपको मिल जाता है गाइस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है। तो आप इसमें फोर्टनाइट वगैरह खेल सकते हैं, लेकिन फोर्टनाइट खेलता कोई नहीं, हम तब तो पबजी खेलते हैं आप भी जानते हैं गाइस। तो आप फोर्टनाइट भी खेल सकते हैं क्योंकि इसका प्रोसेसर काफ़ी हाई है, तो आप HDR तक गेमिंग कर सकते हैं, 40 या स्ट्रीम भी आपको मिल जाएगा तो आप कर सकते हैं। तो और आपको इसमें मिलता है गाइस जाता है 120Hz का रिफ्रेश रेट, तो आपको डिस्प्ले पे काफ़ी स्मूथनेस फील होगा क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा फील होगा आपको गाइस मतलब जब आप डिस्प्ले चलाएंगे उस मामले में। तो यही था गाइस आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।